मेरा बॉल्डनेस थी जेनेटिकल, और मेरे मतलब मदर और फादर दोनों साइड से ये थी प्रॉब्लम। हेयर पैच का ये था कि उसका एक तो मंथली सर्विसेज थी, करके पता चला कि QHT टेक्निक का सर्वाइवल रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्निक। काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेरा QHT के साथ। माय नेम इज़ विशाल और मैं यहाँ अपने फर्स्ट PRP के लिए आया हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम जम्मू और मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 20 मई को हुआ था। एक्सपेक्टेशन की बात है तो अभी तो मतलब शेडिंग फेज चल रहा है, तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं अभी, क्योंकि वो तो पहले से पता है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड PRP में कितना डिफरेंस आता है फर्स्ट से सेकेंड तक। मेरा बॉल्डनेस थी जेनेटिकल, और मेरे मतलब मदर और फादर दोनों साइड से ये थी प्रॉब्लम। और मेरा 18 के बाद धीरे धीरे साइड लाइन दोनों शुरू हो गई थी रिसीड होना, और अभी आते आते काफ़ी हो गई थी ज़्यादा पहले के कंपेरिजन। और मैंने एज सच कोई रेमेडी नहीं ली उसकी, बस जस्ट जो होम केयर होती है वही की, दैट्स इट। बॉल्डनेस का अफेक्ट एज सच कुछ था नहीं, बट हल्का सा एक कई बार फोटोज़ वीडियोज़ में थोड़ा सा दिखता था कि हाँ यहाँ से रिसीड हो रही है, तो उस वजह से थोड़ा सा लगता था कि नहीं इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए अगर हो पाए तो। हेयर पैच का ये था कि उसका एक तो मंथली सर्विसेज थी या उसके बाद भी जैसा भी है, और दूसरा वो अपने हेयर्स नहीं थे, मुझे ओरिजिनल अपने हेयर्स चाहिए थे, जिसकी वजह से मैं ये हेयर ट्रांसप्लांट को प्रेफर किया मैंने। QHT की मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, गूगल पे भी रिव्यूज़ देखे और वीडियोस वगैरह देखी, तो वहाँ से थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हुआ इन पे। तो और भी जगह मैंने सर्च किया था, बट थोड़ा इसको ज़्यादा प्रेफर किया इनके रिव्यूज़ से, इनके जो पहले हो चुके थे ट्रांसप्लांट्स या एक दो से बात भी की मैंने, तो फाइनली QHT। स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा था, रिसेप्शन पे अच्छे से ट्रीट किया, उसके बाद जो भी प्री होते हैं प्रोसीजर इनके वो किए इन्होंने बहुत अच्छे से, और काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेरा QHT के साथ। स्टार्टिंग में तो मैं नर्वस था कि पता नहीं कैसे क्या होगा, क्या ट्रीटमेंट है, वीडियोस में देखना और रियल लाइफ एक्सपीरियंस करना वो भी खुद पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो स्टार्टिंग में नर्वस था। बट धीरे धीरे जैसे स्लिटिंग हुई तो थोड़ा ठीक रहा, फिर नेक्स्ट डे हेयर ट्रांसप्लांट था तो सब ठीक था, इतना पेन लेस था, कुछ ज़्यादा पेन हुआ नहीं। जैसे ही हम सेकेंड डे OT के लिए गए तो सबने अच्छे से रिसीव किया, और डॉक्टर्स थे जो कि इक्यूब थे, और इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा था OT का, और अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया, अच्छे से पूरा प्रोसीजर किया स्टार्टिंग से एंड तक, बीच बीच में बातें करते रहे ताकि आपको अनईजी सा ना लगे, और रिफ्रेशमेंट देते रहे बीच बीच में, तो ओवरऑल इट वॉज ऑल गुड। सर्जरी के दौरान तो स्टार्टिंग से हल्का सा जो इंजेक्शन के टाइम पेन हुआ, दैट्स इट, उसके बाद फॉर द होल जर्नी कोई पेन नहीं हुआ। आफ्टर द OT सेकेंड या थर्ड डे हल्की हल्की सी स्वेलिंग आना शुरू हुई, जो कि थोड़ी सी बढ़ गई, एक हफ्ते के अंदर आई थिंक कम्प्लीटली वो ठीक हो गई थी, उसके बाद सब ठीक रहा। मेरे टोटल 3,800 ग्राफ्ट लगे थे, और मैंने QHT टेक्निक से किया था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से इनसे डिस्कशन से करके पता चला कि QHT टेक्निक का सर्वाइवल रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्निक, तो मैंने कहा कि मतलब इसी को प्रेफर किया कि क्योंकि बेस्ट चल रही थी उस टाइम पे। तो और आप देख सकते हैं मेरी अभी कंडीशन फर्स्ट PRP के लिए, और डोनर एरिया मेरा अच्छे से हील हो चुका है। अभी फर्स्ट PRP है तो थोड़ा एक्साइटेड हूँ मैं उसके लिए, कितना डिफरेंस आता है उसके बाद। नेक्स्ट PRP मिलते हैं आपसे, थैंक यू। Thank you.
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।